उड़ीसा के सुपुत्र बागमी बलराम दास जी के कल्पना को, साहित्य को आत्मसात करेंगे और आप उसकी विचार में अपना योगदान करेंगे। आज की कल्पना तभी साकार हो पाएगा। आप सभी को स्वागत और अनेक शुभेच्छा। मित्रों, मैं अत्यंत गर्व और सौभाग्य के साथ कह सकता हूं, अभी हमारे विधायक मित्र इसको एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना अपेक्षा रख रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की कर कमल में ही 2020 में भारत की सभी संस्कृत प्रतिष्ठानों को अपना सही मर्यादा देते हुए एक राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की कल्पना किया गया है और सदाशिव विश्वविद्यालय अपने आप में ही एक स्वयं विश्वविद्यालय है। उसमें कोई कंफ्यूजन और कोई गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। सदाशिव परिसर अतुल जी और वरखेड़ी जी दोनों चाहें तो किसी भी प्रकार के कोर्स बना सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अध्यापक नियुक्ति कर सकते हैं। ये सारे स्वतंत्रता सदाशिव परिसर को है ही। और मेरा पूरा विश्वास है देश की आजादी को 76 साल हो चुका है, 1947 से 2023, 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव कंप्लीटेड। पहली बार 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय भाषा को महत्व दिया। यहां सभी संस्कृत की महाविद्वान उपस्थित है, उड़िया भाषा की महाविद्वान उपस्थित है। आप सब आपकी जीव दशा में जानते हैं संस्कृत भारत में, जिसमें महाकाव्य महासाहित्य आद्य ग्रंथ वेद लिखा गया है, उसको कैसे दिखा जाता था। आप जिंदगी में आपने उसको आपने अनुभव किया है, वो कष्ट को हम समझते हैं, हम आपकी अनुभव को भी जानते हैं। आज मोदी जी की शासन प्रणाली में ना केवल संस्कृत, प्रधानमंत्री जी ने वज्र घोषणा किया है शिक्षा नीति में, भारत की सभी भाषा, वो संस्कृत हो, तमिल हो, उड़िया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सभी भाषा या संताली हो, ये सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, सभी के बराबर की हक और सम्मान के अधिकार है। यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मान्यता है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।